हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आप देखने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए, है ना। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में दिया हुआ है विद्युत द्विध्रुव के कारण, तो हमको पता है विद्युत द्विध्रुव क्या है। ये ए बी क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव को शो कर रहा है ना, जो किससे मिलकर बना होता है, प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना होता है, विपरीत प्रकार के आवेश से मिलकर बना होता है, जिनके परिमाण क्यू और इसका भी क्यू कैसे होते हैं, समान होते हैं, और उनके बीच की दूरी कैसी होती है, 2L अल्प दूरी होती है ना, एवं उनके मध्य अल्प दूरी कितनी है, 2L है। तो ये हमने विद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कर दिया। तो ए बी क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है, उनके बीच की दूरी कितनी है, अल्प दूरी 2L है ना। उसका मध्य बिंदु क्या होगा, ओ है। तो वो क्या करेगा, इस विद्युत द्विध्रुव को दो भागों में विभक्त करेगा। तो 2L का आधा भाग इधर क्या हो गया, L हो गया, और दूसरा आधा भाग इधर क्या हो गया, L हो गया। तो इस 2L को हमने दो भागों में विभक्त कर दिया मध्य बिंदु से, इधर L और इधर क्या, L। ये L दूरी होगी OB, और OA क्या होगी, ये भी अल्प दूरी कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी। अब इस विद्युत द्विध्रुव के कारण कौन सी स्थिति में निकालना है, अक्षीय स्थिति में। तो ये उसकी अक्षीय स्थिति है, मतलब उसके अक्ष के अनुदिश, ठीक है। उसके अक्ष के अनुदिश इस विद्युत द्विध्रुव से कितने आर दूरी पर बिंदु क्या है, पी स्थित है। ये आर दूरी है, अक्षीय दूरी कितनी है, आर। अब इस विद्युत द्विध्रुव से दूरी कहाँ से लेना पड़ेगा विद्युत द्विध्रुव के कारण, वो लेना पड़ेगा मध्य बिंदु से, ठीक है। कहाँ से लेना पड़ेगा, मध्य बिंदु से। तो मध्य बिंदु ओ से अक्षीय स्थिति में आर दूरी पर क्या है, बिंदु पी स्थित है। इस बिंदु पी पर हमको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। किसका व्यंजक ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक करना है ना। तो हमें क्या करना है, हमें इस विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से है ना अक्षीय स्थिति में, कौन सी स्थिति में, अक्षीय स्थिति में आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। अब इस बिंदु पी पर हमने एक परीक्षण धनावेश क्यू जीरो की क्या कर लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं। ये क्यू जीरो आवेश कैसा है, परीक्षण धनावेश है। कैसा है ये, परीक्षण धनावेश, क्यू जीरो की कल्पना करते हैं। और इस क्यू जीरो पर क्या करना है, अपने को इस विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है ना। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पर एक आवेश है, बिंदु आवेश है प्लस क्यू। इस प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना पड़ेगा, ये जो करेंगे हम सबसे पहले फर्स्ट। उसके बाद में फिर माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना पड़ेगा। तो दोनों के कारण करेंगे, प्लस क्यू के कारण और माइनस क्यू के कारण, ठीक है। तो दोनों का जब हम योग करेंगे है ना, तो दोनों का योग करेंगे तो ये किसके कारण निकल कर आ जाएगी, विद्युत द्विध्रुव के कारण निकल कर आएगी बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। तो सबसे पहले प्लस क्यू के कारण किसके कारण निकालेंगे, प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, है ना। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके कारण कितनी हो जाएगी, ईवन होगी। वो मान कितना आ जाएगा, 1/4π0 क्यू अपॉन में आर स्क्वेयर होता है। तो आर क्या है, वहां की दूरी है, तो इनके बीच की दूरी है, इस प्लस एक बिंदु आर के कारण बिंदु पी के बीच की दूरी, तो क्या हो जाएगा, बी पी का स्क्वेयर। तो यहां पर आर का स्क्वेयर मतलब आर दूरी कौन सी है, बी पी है, इस प्लस क्यू के कारण, है ना। तो क्या हो जाएगा, बी पी का स्क्वेयर। तो बी पी मतलब कितनी हो जाएगी, ये बी पी मतलब ये ओ पी में से ओ बी को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, मतलब क्या हो जाएगा, OP माइनस OB इक्वल टू कितना हो जाएगा, BP। तो BP इक्वल टू क्या हो जाएगा, OP माइनस कितना, OB। तो यहां पर लिखा है BP इक्वल टू OP माइनस कितना, OB। तो OP की वैल्यू कितनी है, R, R में से L को माइनस कर दो तो क्या निकल कर आ जाएगा, BP की वैल्यू निकल कर आएगी, तो क्या हो जाएगा, R माइनस L। तो यहां पर लिखा है R माइनस L, तो BP की जगह क्या लिखना पड़ेगा हमको, R माइनस L लिखना पड़ेगा, R माइनस L का स्क्वायर। ये समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, एक। अब इसकी दिशा क्या होगी, है ना, इसकी दिशा ये तो होगा परिमाण के रूप में, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि है, एक सदिश राशि है। तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी, ये बीपी के दिशा में होगी, किसकी दिशा में होगी, बीपी की दिशा में। क्यों, क्योंकि ये प्लस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू, ये भी परीक्षण धनावेश है, तो ये भी धनावेश, ये भी धनावेश क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो बल किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में, मतलब इस क्यू जीरो आवेश को क्या करेगी, प्रतिकर्षित करेगी। तो ये बल किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में, और बल की दिशा में ही क्या लगेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगेगी, ठीक है। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएंगी, बीपी की दिशा में,
किस दिशा में? बीपी की दिशा में, बीपी की दिशा में, ठीक है, बीपी की दिशा में होगी, है ना। अब ये तो निकाल लिया अपन ने प्लस क्यू के कारण, अब निकालेंगे किसके कारण? माइनस क्यू के कारण, ठीक है। तो यहां पर माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये तो परिमाण लिखा है अपन ने, यहां पर भी अपन ने परिमाण लिखा, यहां पर भी हमने क्या लिखा? परिमाण लिखा है ना। तो ई टू की वैल्यू कितनी आ जाएंगी? 1/4π ε₀। अब यहां से माइनस क्यू के कारण निकाल रहे हैं तो ए, उनके बीच की दूरी क्या है? एपी है, तो एपी का क्या आ जाएगा? नीचे स्क्वेयर आएगा, तो क्या हो जाएगा? एपी का 1/4π ε₀ क्यू अपॉन में एपी का स्क्वेयर, ठीक है। तो क्यू अपॉन में एपी मतलब कितना हो जाएगा? एपी मतलब हो जाएगा ये ओपी प्लस कितना? ओए। तो ओपी की वैल्यू कितनी है? आर प्लस एओ की वैल्यू कितनी है? एल, ठीक है। तो एपी इक्वल टू कितना हो जाएगा? ओपी प्लस एओ, ठीक है, या ओए, है ना। तो ओपी प्लस कितना हो जाएगा? ओए। तो आर प्लस कितना हो जाएगा? ओए की वैल्यू कितनी है? एल है, ठीक है। तो आर प्लस एल हो जाएगा, इसको समीकरण नंबर कितना कर दो? अब यहां पर ये माइनस क्यू आवेश है, ये परिचन धनावेश क्यू है, तो ये क्या करेगा? आकर्षित करेगा, आकर्षित करेगा मतलब बल की दिशा किधर होगी? इस डायरेक्शन में होगी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी दिशा क्या हो जाएगी? ई टू की दिशा इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में होगी मतलब पी ए की दिशा में होगी, है ना। इसकी दिशा कैसी होगी? पी ए की दिशा में, दिशा में। अब देखो ये प्लस क्यू के कारण दिशा किधर है? ई वन है इस डायरेक्शन में, और माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा इस डायरेक्शन में है, जो कि कैसी है? विपरीत है। अब यहां पर जो बल लगेगा वो बल भी क्या होगा, क्योंकि इनके बीच की दूरी कैसी है? कम है। तो यहां पर कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम से एफ इक्वल टू कितना होगा? 1/4π ε₀ क्यू वन क्यू टू अपॉन में कितना? आर स्क्वायर। तो आर दूरी कैसी है? कम है। तो उनके बीच का बल भी कैसा हो जाएगा? आर दूरी यदि कम है तो बल का मान क्या होगा? अधिक होगा। और जब बल का मान अधिक होगा तो ई वन का मान क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा, मतलब ई वन का मान क्या होगा? अधिक होगा। और ई टू का मान, ई टू का मान मतलब ये माइनस क्यू के कारण निकाला था अपन ने, तो ये जो दूरी है वो सबसे ज्यादा है ना। ये दूरी कैसी है? कम है। ये दूरी क्या है? ज्यादा है। तो आर स्क्वायर का मान क्या होगा? अधिक होगा। जब आर स्क्वायर का मान अधिक है तो एफ का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि अपॉन में है ना। ये कम, सॉरी, ये कम तो ये ज्यादा, ये ज्यादा तो ये क्या हो जाएगा? कम। तो बल का मान क्या हो जाएगा? कम। जब बल का मान कम होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी मान क्या होगा? कम होगा, ठीक है। तो ई टू का भी मान क्या हो जाएगा? कम। तो ज्यादा में से कम को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, तभी तो अपने को क्या निकल कर आएगी? विद्युत, संपूर्ण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल कर आएगी। किसके कारण? ए बी विद्युत द्विध्रुव के कारण, क्योंकि अपन ने ए बी विद्युत द्विध्रुव को प्लस क्यू और माइनस क्यू में के कारण किया है, अपन ने दोनों के कारण कंबाइन किया है ना। तो यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा? जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आएगी वो क्या आ जाएगी? ई इक्वल टू ई वन माइनस कितना? ई टू। यहां पर माइनस इसलिए भी लिया है क्योंकि ई टू की दिशा कैसी है? विपरीत है, इसलिए इसको क्या लिख दिया है? ई वन माइनस कितना? ई टू लिख दिया है। तो ई इक्वल टू कितना हो जाएगा? ई वन माइनस ई टू। इसलिए अपन क्या करेंगे? सबसे पहले अपन ने प्लस क्यू के कारण निकाल लिया है, फिर माइनस क्यू के कारण निकाल लिया है, अब दोनों का कंबाइन कर देंगे। दोनों का कंबाइन करेंगे मतलब एक विद्युत द्विध्रुव के कारण निकालेंगे, है ना। तो यहां से क्या करेंगे? विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु पी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? ई इक्वल टू ई वन माइनस ई टू। तो यहां पर लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे? विद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव ए बी के कारण बिंदु पी पर परिणामी परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? ये अपन ने लिखा था E इक्वल टू कितना? E1 माइनस E2। तो क्या लिखेंगे यहां पर? परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू कितना लिखेंगे? E1 माइनस E2, ठीक है। इसको समीकरण नंबर कितना कर दो? 3। आप समीकरण किससे मान रखेंगे? 1 तथा 2 से
ई1 एवं ई2 के मान रखने पर, मान रखने पर ठीक है क्या वैल्यू आ जाएगी, E इक्वल टू E1 का मान कितना है आप देख सकते हैं, E1 का मान है कितना 1/4π0 Q अपॉन में R-L का स्क्वायर ठीक है। तो यहां लिखेंगे हम E इक्वल टू कितना लिखेंगे 1/4π0 कितना Q अपॉन में R-L का होल स्क्वायर, इसको इस टाइप से लिख लो, माइनस क्या हो जाएगा अब E2 का मान लिखेंगे ठीक है। तो E2 की वैल्यू कितनी है आप देख सकते हैं 1/4π0 Q अपॉन में R+L का स्क्वायर ठीक है। तो यहां लिखेंगे अपन कितना 1/4π0 कितना लिखेंगे Q अपॉन में R+L का होल स्क्वायर ठीक है। अब ये E इक्वल टू है ना, इसी को अब क्या करना है सॉल्व करना है ठीक है। तो सॉल्व करना है तो क्या वैल्यू आ जाएगी देखते चलो, यहां पर भी कितना है 1/4π0, यहां पर भी 1/4π0 क्या है कॉमन है, दोनों में से कॉमन निकाल लो तो 1/4π0 कॉमन निकल गया, यहां पर भी क्यू है यहां पर भी क्यू है ना, दोनों में से क्यू क्या निकाल लेंगे अपन कॉमन निकाल लेंगे। अब बचेगा क्या, यहां पर बचेगा 1/R-L का स्क्वायर माइनस ये चिन्ह, इसमें से क्या बचेगा 1/R+L का स्क्वायर ठीक है बराबर। अब यहां से E इक्वल टू इसको जैसे का वैसा लिखो Q अपॉन में 4π0, अब ये अपने पास में कितने दो पद है तो ये है A-B का स्क्वायर है ना, और ये क्या है A+B का स्क्वायर, तो यहां से दोनों का कॉमन निकालो तो A-B का स्क्वायर इंटू A+B का स्क्वायर, ये दोनों हो जाते हैं कितना A²-B² का स्क्वायर ठीक है। ये एक सर्वसमिका लगेगी ठीक है, तो सर्वसमिका क्या लगेगी दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा R²-L² का होल स्क्वायर, ये एलसीएम निकल जाएगा इसका दोनों का, इसका गुना करेंगे अपन है ना ठीक है। तो गुना करेंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम कितना आ जाएगा इतना आ जाएगा ठीक है, और इसका दोनों का सर्वसमिका में मान रखेंगे तो A²-B², A का मान कितना है यहाँ पर R है तो R²-B का मान कितना है L है तो ये कितना L का स्क्वायर और टोटल का क्या स्क्वायर ठीक है, तो R²-L² का होल स्क्वायर। अब यहां से क्या हो जाएगा इसका तिरेक गुना करना पड़ेगा, तो तिरेक गुना कैसे करेंगे R+L का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा R-L का होल स्क्वायर, मतलब ये R+L का होल स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा R-L का होल स्क्वायर ठीक है। अब दोनों को क्या करना है अपने को सॉल्व करना है तो Q अपॉन में 4π0 ठीक है, ये जो एलसीएम निकाला है इसको क्या करेंगे जैसे कि वैसे R²-L² का होल स्क्वायर, अब ये A+B का स्क्वायर है तो A+B का स्क्वायर मतलब A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस कितना ट्वाइस AB मतलब 2RL ये हो गया, माइनस ये क्या है A-B का स्क्वायर, A-B का स्क्वायर मतलब R² प्लस कितना आ जाएगा L² माइनस कितना 2RL मतलब A²+B² कितना 2AB, जैसे यहां पर माइनस है तो यहां पर माइनस 2AB आ जाएगा, यहां पर प्लस है तो यहां पर प्लस 2AB आ जाएगा ठीक है बराबर। तो पहले सॉल्व किया है इसको A+B का स्क्वायर को, फिर ये A-B को है ना ठीक है। तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा इसको भी जैसे का वैसे रहने दो, Q अपॉन में 4π0 ठीक है, अब ये हो जाएगा R²+L² प्लस कितना 2RL, अब ये ब्रैकेट को क्या करना है तोड़ना है अपने को, तो माइनस क्या हो जाएगा R², ये भी माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -L² है ना, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2RL ओके अपॉन में एलसीएम क्या है R²-L² का होल स्क्वायर ये वाला ठीक है। यहां पर क्या किया है केवल इस ब्रैकेट को ओपन किया है ना ओके, तो यहां से ये प्लस R², ये माइनस R² क्या हो जाएगा कैंसर, ये प्लस L² ये माइनस L² क्या हो जाएगा कैंसर, ये 2RL और ये 2RL क्या हो जाएगा 4RL
टू आर एल प्लस टू आर एल कितना हो जाएगा फोर आर एल। तो ई इक्वल टू लिखेंगे क्यू अपॉन में फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना हो जाएगा फोर आर एल अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके ठीक है, अब इस फोर को हम क्या लिख सकते हैं, इस फोर को हम क्या लिख सकते हैं, टू इंटू टू लिख सकते हैं, दो गुना दो लिख सकते हैं ना, दो दूनी कितना हो जाएगा चार, इंटू कितना आर, इंटू कितना हो जाएगा एल, या आर इंटू कितना हो जाएगा एल। तो इसको फोर को हमने क्या कर दिया, टू इंटू टू में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है ना। ठीक है, अपॉन में कितना हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये पूरा पद जैसे का वैसा। अब यहां से ये टू आर को अलग कर देना है और ये क्यू इंटू टू एल को अलग कर देना है। ठीक है, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो वन अपॉन में फोर पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा, अब ये वन अपॉन में फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ से टू इंटू एल, क्यू इंटू कितना निकाल लिया, टू एल निकाल लिया। ठीक है, अपॉन में कितना है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू, अब ये क्या बचा था, टू आर बचा था, तो ये टू आर ले लिया अपन। ठीक है, ये टू आर को अलग लिख दिया, ये क्यू इंटू कितना टू एल को अलग लिख दिया, वन अपॉन में फोर पाई एप्सिलॉन नॉट ये अलग लिख दिया, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दिया। अब यहां से क्यू इंटू टू एल ये किसको शो कर रहा है, हम जानते हैं है ना, हम जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर कितना होता है, क्यू इंटू टू एल होता है, एक आवेश गुना दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी का गुणनफल होता है। तो इस क्यू इंटू टू एल के जगह क्या लिखेंगे, P लिखेंगे। ठीक है बराबर, तो नेक्स्ट इसमें क्या लिखना पड़ेगा हमको, यहां E बराबर कितना हो जाएगा वन अपॉन में फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, देख सकते हैं आप ये वन अपॉन में फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू टू एल की जगह क्या लिखेंगे, P इंटू कितना आ जाएगा टू आर अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप देख रहे हैं ये इसके जगह अपन ने क्या लिखा है, P लिखा है, ये टू आर है और ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां लिखा है अपन ने, ये इतना लिख दिया। अब यहां से इसको समीकरण नंबर कितना कर दो, इसको समीकरण नंबर कर दो कितना, ए। ठीक है, अब यहां आप देख सकते हैं, यहां आप देख सकते हैं कि ये जो विद्युत द्विध्रुव है इनकी बीच की दूरी कैसी होती है, अल्प होती है। मतलब जब 2L का मान अल्प होगा तो L का भी मान क्या हो जाएगा, अल्प हो जाएगा। किसकी तुलना में, किसकी तुलना में, ये अक्षीय दूरी की तुलना में। मतलब यहां पर लिख सकते हैं कंडीशन में यदि R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, तो L का मान क्या मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं, है ना। तो यहां पर कंडीशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, केस यदि R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, तो स्मॉल एल को क्या मानने पर, नगण्य मानने पर, है ना, अर्थात एल बराबर क्या मानेंगे, शून्य मानने पर क्या हो जाएगा, समीकरण ए से ई इक्वल टू कितना हो जाएगा वन अपॉन में फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कितना हो जाएगा 2PR, यहां लिख सकते 2P इंटू कितना R अपॉन में आर स्क्वायर माइनस L का मान कितना रखेंगे, जीरो, और उसका भी स्क्वायर कितना हो जाएगा, जीरो, और टोटल का क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर वन अपॉन में फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कितना 2PR अपॉन में आर स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब R की घात चार। ठीक है बराबर, तो दो दूने कितना हो जाएगा चार, यहां से आर से ये आर की घात कितना हो जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा तो तीन बचेगा। तो ई इक्वल टू कितना हो जाएगा वन अपॉन में फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कितना टू पी अपॉन में आर की घात तीन। ये समीकरण नंबर कितना हो गया, बी, है ना। यही समीकरण क्या कहलाता है, उपरोक्त समीकरण बी, समीकरण बी किसके कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में, कारण क्या, अक्षीय स्थिति में स्थित
किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या है, व्यंजक है। ठीक है, तो ये आपका पूरा क्या हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है ना। तो आप देख सकते हैं जो कि क्या है, आर की घात तीन, आर मतलब उसके बीच की दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। ठीक है, यहां से आप देख सकते हैं ये पूरा कंप्लीट है क्वेश्चन। पहले प्लस क्यू के कारण निकालना है, फिर माइनस क्यू के कारण निकालना है, फिर उनका परिणाम ही निकालना है। ठीक है, तो ये प्लस क्यू के कारण निकाल लिया, ये माइनस क्यू के कारण निकाल लिया, फिर उसके बाद में ये संपूर्ण तीव्रता निकाल ली है ना। यहाँ पर ये वाला एक ये सर्वसमिका रखना है। ठीक है, और सर्वसमिका रखने के बाद में इसका लास्ट आंसर, उसके बाद में स्टेप्स ये रखना है, जब ये वाली कंडीशन आएगी तो एल का मान कितना कर देना है, जीरो कर देना है। ठीक है, तो आर की घात चार हो जाएगी, इससे आर से कैंसिल हो जाएगा, आर की घात कितना, तीन आ जाएगा है ना। यही क्या आंसर आ जाएगा आप लोगों का अक्षीय स्थिति में। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अक्षीय स्थिति में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपन निरक्षीय स्थिति में है ना। ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करना है आपको। ठीक है, थैंक यू।